कानून है, इसके लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट किया है, सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा सर्वोपरि है। ठीक है, ये क्या ठीक पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा 24 के चुनाव में? ये माइलेज इससे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा ठीक कानून को पहले पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। और कोई कानून गलत नहीं बनता है, सभी संसद बैठ के उसको तय करते हैं और कानून में सुधार होते रहते हैं, तो जो अच्छा बेहतर होगा देश के लिए, राज्य के लिए, वो कानून बनेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। कल से पूरे देश में CAA कानून जो है वो लागू हो गया है। CAA के मसले को लेकर बिहार में सियासत जो है काफ़ी गर्म है। एक ओर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा है कि CAA कानून से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में। पलटवार में बीजेपी विधायक कृष्ण सिंह मंटू ने कहा है कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनको इस कानून के बारे में पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, इसके बारे में जानकारी लेने का ज़रूरत है। इस कानून को देश के संसद ने पारित किया है, क्या कुछ कहना है बीजेपी विधायक कृष्ण सिंह मंटू और कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। ये लागू हुआ है कल, कैसे देख रही हैं? जो कानून नया आया है उसको आप किस रूप में देखती हैं? ये गलत कानून है, इसके लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट किया है, सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा सर्वोपरि है। ठीक है, ये क्या ठीक पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा 24 के चुनाव में? माइलेज इससे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा। ठीक जो है हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, बीजेपी को कितना फायदा होगा? ये तो पार्टी के प्रवक्ता लोग बताएंगे, हम लोग पार्टी के हम लोग से कोई रिलेटेड, विधानसभा से कोई रिलेटेड हो, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहित सभी MLC प्रत्याशियों का नामांकन वैध पाया गया है, उसी में हम प्रस्तावक थे मंगल पांडे जी का, उसमें हम लोग आए हुए थे और सभी का वैध पाया गया। और अलावा कोई विषय होता पूछ सकते नागरिक संशोधन विधेयक है, तो इसमें CAA कानून को पहले पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। और कोई कानून गलत नहीं बनता है, सभी संसद बैठ के उसको तय करते हैं और कानून में सुधार होते रहते हैं, तो जो अच्छा बेहतर होगा देश के लिए, राज्य के लिए, वो कानून बनेगा। उसको विरोध करने वालों को पहले उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, तब उसके बारे में बताना चाहिए। अब लोग विरोध करने के लिए किसी बात का विरोध करते हैं, पहले उसको जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। देखिए सब काम चुनावी नहीं होते हैं, चुनाव के दिन तक सरकार का रहता है, आचार संहिता लगने के दिन तक हम अपने कार्य कर सकते हैं और जो भी देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए बेहतर होगा, विकास के लिए करेंगे तो करते रहेंगे। चुनाव आएगा तो चुनाव होगा, अब ऐसा थोड़े कि चुनाव घोषित हो गया, एक साल आ गया, अंतिम साल है तो हम कोई काम नहीं करेंगे, सो जाएंगे। जब तक हमको काम करने का अवसर समाज ने, जनता ने, देश के लोगों ने दिया है, तब तक काम करते रहेंगे, चाहे आखिरी मिनट के आखिरी सेकेंड क्यों नहीं हो। उसको चुनावी से जोड़ना दे रहे हैं महागठबंधन वाले, कह रहे 7 से 8 सीट हम लोग देंगे। देखिए यह पार्टीगत विषय है, पार्टी NDA है और NDA में सब लोग का स्वागत है, सबका साथ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं और मुख्यमंत्री जी देश का, राज्य का, सबका साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, जो साथ आएंगे सबका स्वागत है, इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी आपने सुना कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास और बीजेपी विधायक कृष्ण सिंह मंटू CAA कानून को लेकर आमने सामने थे। एक और प्रतिमा दास ने इस कानून के बारे में ये कहा कि बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, इस चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के। तो दूसरी ओर पलटवार में कृष्ण सिंह मंटू ने कहा है कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं उनको इस कानून के बारे में जानकारी जुटाने का ज़रूरत है, देश के संसद ने इस कानून को पारित किया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अब बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।